अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। वीडियो में बात करूंगा आज आपसे एएमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों पेपर इसका 21 तारीख को हो चुका है, आज 26 तारीख है। बताऊंगा आपको कट ऑफ काफ़ी लेट हो गया क्योंकि काफ़ी बिजी था मैं, जामिया के और एएमयू के दोनों पेपर चल रहे हैं एक साथ, तो टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है वीडियो करने का। लगातार बहुत सारे कोर्सेज हैं तो उनकी वीडियो मैं लगातार कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन आज इसका नंबर आया डिप्लोमा का। इससे पहले मैंने आपको 11 साइंस के बारे में बताया, कॉमर्स के बारे में बताया, कई डिप्लोमा वाले ने मुझसे पूछा था, तो आज उनके भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। दोस्तों जिनको 2024 की तैयारी कर रही है डिप्लोमा की, जामिया या एएमयू नंबर आपको दिया हुआ स्क्रीन पर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टास्क कोचिंग दूंगा आपको। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर टेस्ट क्वालिफाई भी कर जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा सपोर्ट आपको करना होगी। दोस्तों यहाँ कई सारे डिप्लोमाज हैं एएमयू के अंदर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कई सारे ब्रांचेज हैं, उसमें मैं बात करूँगा आपसे मेन के बारे में, आर्किटेक्चर, इंटीरियर और लेदर, इसके बारे में बात मैं आपसे नहीं करूँगा। बाकी जो बचे टॉप के 8-9 ब्रांचेज उनके बारे में बात करूँगा। कुछ सीट्स कहीं कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ सीट्स केवल मतलब मेल के लिए हैं, कुछ में ऐसा सीट्स केवल फीमेल के लिए हैं। ऐसे आपका आईटी है, आईटी में जो है मेल के लिए कोई सीट नहीं, सीधे सारे सीट जो है वो फीमेल के लिए हैं। ऐसे ही आपका मैकेनिकल में और सिविल के अंदर सीट जो है वो सिर्फ जो है मेल के लिए हैं। उसके अलावा कुछ नाम अलग अलग हैं दोनों में वो, ठीक है ना। जो मैं बात करूंगा आपसे मोटी मोटी बात करूंगा, बिल्कुल डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आपका इतना स्कोर आएगा, अगर आप टॉप में यहाँ आपने स्कोर कर लिया तो आप टॉप 5-6 जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो सो पहले यहाँ जो ब्रांचेज हैं, सिविल है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, और मैकेनिकल दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये लगभग 8-9 ब्रांचेज हो, इनके बारे में बात करूंगा दोस्तों। मेन जो है इसके अंदर वो है आपके मैकेनिकल है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। सिविल भी उसके बाद नंबर आता है, लेकिन सीट्स वहाँ पर 90 हैं और मैकेनिकल में भी सीट 125 है, तो वहाँ पर ज़्यादा चांस होता है एडमिशन होने का, क्योंकि सीट ज़्यादा है तो शायद थोड़ी मेरिट वहाँ पर कम भी रहती है। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा मार्क्स ओवरऑल, अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो आपको किसी में भी एडमिशन मिल जाएगा जहाँ तक मेरे ख्याल है। पेपर के बारे में मैं आपको डिटेल बात कर चुका हूँ, 11 साइंस वाले में पेपर लगभग 60-40 था, तो जो बच्चा पढ़ के गया होगा उसके लिए 60 सवाल इतने मुश्किल नहीं रहे होंगे। दोस्तों बात करते हैं, अगर आप एक्सटर्नल हैं और मेल के बारे में बात करेंगे, एक्सटर्नल मेल के बारे में, उस अगर आपने स्कोर मेरे ख्याल से लगभग 56 स्कोर कर लिया है और आपका पहली चॉइस डिप्लोमा है, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ टॉप ये 5-6-7 इनमें से किसी में भी एडमिशन मिल जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर अराउंड 54 आपने स्कोर कर लिया है, तो आपको ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा किसी भी ब्रांच में। दोस्तों अगर आप एससी एसटी हैं तो मे बी फर्स्ट लिस्ट के अंदर अगर आपका स्कोर भी 49 या 48 है, इवन एसटी में शायद थोड़ा और कम में मिल जाए, लेकिन आपको इतने में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। सो बात करें अगर आप ये हुआ एक्सटर्नल मेल के बारे में, अगर आप अगर आप एक्सटर्नल जो है फीमेल हैं और वो फीमेल के लिए सीट जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें कम है, केवल सीट जो है वो 30-60 और 90 और लगभग 90 सीट्स हैं, तो वहाँ पर थोड़ी कट ऑफ शायद ऊँची रहे। तो अगर आप एक्सटर्नल फीमेल हैं दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी ब्रांच में एडमिशन लेना है, आपके लिए सिविल में सीट नहीं है और मैकेनिकल में सीट नहीं है, उसके अलावा कुछ बचे हैं आपके ब्रांचेस, तो अगर आपका स्कोर अराउंड 53 के अराउंड आपने स्कोर कर लिया, तो आपको जो मेन ब्रांचेज हैं जिसमें आपका आईटी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है एंड यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आईटी है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। 53-54 पे कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। अगर आप ओबीसी हैं, एक्सटर्नल फीमेल हैं, तो आपका स्कोर अगर 50 के अराउंड है, तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। यू विल हैव नो इशूज एट ऑल इन गेटिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द मेंशनड मतलब कोर्सेज। अगर आप एससी एसटी हैं, तो आपका स्कोर अगर एक्सटर्नल हैं, तो अगर आपका स्कोर 45 प्लस है ना, तो आपको लिस्ट वन में एडमिशन पक्का मिल जाएगा, वेटिंग में नहीं आएगी, आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात करेंगे अगर आप इंटरनल मेल हैं दोस्तों, और तो आपका स्कोर अगर आपका स्कोर मे बी 48 आपने स्कोर कर लिया है, तो आप किसी भी ब्रांच में, इससे ज़्यादा ये वो है नंबर कि आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। इंडिविजुअल के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप ओबीसी हैं, इंटरनल हैं,
अगर आपका स्कोर 46, 45 आपने स्कोर कर लिया है तो आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल जाए, कोई इशू आपको नहीं होने वाला। अगर आप एससी एसटी हैं, इंटरनल हैं अगेन, तो मेरे ख्याल 40 प्लस पे आपको, मतलब 41, 42 पक्का मिल जाएगा आपको। कोई भी ब्रांचेज जो हैं टॉप 6-7 ब्रांचेज जो हैं वहाँ पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप इंटरनल फीमेल हैं और आपको डिप्लोमा पहले चॉइस है, तो अगर आपका स्कोर मेरे ख्याल से मे बी 49, 48 आपने स्कोर कर लिया है, 48 तक भी स्कोर कर लिया, तो आपको टॉप ब्रांचेज जो आपकी ब्रांचेज हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं अगेन 45 के अराउंड आपको किसी भी डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों मेरे ख्याल से। और अगर आप जो हैं एससी एसटी हैं, इंटरनल हैं, तो अगर आपका स्कोर मे बी 40 के अराउंड आपने स्कोर, मतलब 40 आपने स्कोर कर लिया, सीट काफ़ी कम है इसके अंदर, तो अगर आपने 40 के अराउंड स्कोर कर लिया तो आपको ये टॉप 4 ब्रांचेस जो बता रहा हूँ आपको, इसमें कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और आईटी है दोस्तों, और एक है कम्युनिकेशन, तो आपको इनमें से 38 to 40 पर आपने स्कोर कर लिया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब इससे इसके बाद बची नीचे वाले ब्रांचेस, उसके बारे में आप सोच लें, थोड़ा नंबर कम कर लें और फिर इसके नीचे जो आप जाएंगे, लेकिन बहुत फ़र्क नहीं होगा, वो लिस्ट 1 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बाकी फिर वेटिंग आएगी और वेटिंग भी इसमें ठीक ठाक क्लियर हो जाती है, तो बाकी जो वेटिंग आएगी उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। दोस्तों ये था मेरा गैस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में, आई होप मैंने आपको हेल्प किया, मैंने आपको हेल्प की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर कर दें वीडियो। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।